उधर किसानों के प्रदर्शन से सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं पंजाब बीजेपी प्रधान वादे विच हां, पहला किसान हाँ, मसला गलबात दे नाल ही हल होगा, किसानों नू जोश दे नाल होश रखना होगा। मैं उम्मीद करदा कि मसले का हल निकलेगा, केंद्र सरकार की नीयत ते पूरा भरोसा है। किसान नू किसान की नज़र दे नाल देखो, किसान नू किसी विशेष वर्ग दे नाल ना जोड़ो। उत्थे सुनील जाखड़ ने कहा कि किसानों नू विचोलिए तो बचना चाहिए। उससे मसला हल नहीं होगा, मसला हल तो बातचीत से होगा और बातचीत का प्रयास चल रहा है। और जहाँ पे जोश को होश में रखने की जरूरत है, जो मैं बात कर रहा हूँ, परंतु होश हर किस्म का होश रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक किसान साथियों से, क्योंकि आज चाहे मैं यहाँ खड़ा बात कर रहा हूँ बीजेपी में, कल मैं भी किसान इसी तीन बिलों के विरोध में सबसे अगर होकर सबसे पहली बात करने वाला भी शायद सुनील जाखड़ था, तो मैं किसान की भावना से पूरी तरह परिचित हूँ। परंतु किसान को भी जोश के साथ होश का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान नू किसान रहन दो साहब, किसान किसी भी पार्टी नाल संबंधित हो सकता। थोड़ा की ख्याल है भी मैं बीजेपी जी अज प्रधान हाँ तो मैं किसान खत्म हो गया? किसान तो मैं हाँ सब, किसान सारे किसान हाँ, सारे लोग किसानों के नाल रोटी तो सारे खाने हैं, जिदे जा मुँह चे दंद है रोटी तो खाता है साहब, वो किसान नू किवें छड्ड दूगा साहब? किसान हैगे, इनू खालिस्तानी, इनू को पंजाबी, इन्हों आज सारे सिख दे तुर पे जी, आता पंजाब वाले का दिमाग खराब है, कोई किसी का दिमाग खराब नहीं साहब। अपनी जिस तन लागे सो तन जाने, किसान की पीड़ किसान ही समझ सकता है। इस करके मेरी बेनती है, बड़ा इन्हों ढंग इन्हों का बनता आदर सत्कार दे ला नाल, अगर आज हुलड़बाजी ना हो तो मैं नहीं समझता भी किसानों कि आन जान से कोई रोक हो सकती है। कुछ शरारती अंसर या कुछ भावुकता च बह के ऐसी हरकत हो जाती है, जिदे करके सरकार नू अपने जो भी इंतजाम करने पैंदे है। पर मैं समझदा कि एक अच्छे सुहिरद माहौल के अंदर, चाहे जिस किस्म दी पंचायतियां विचाले पै गई, मेरी उम्मीद है मैं किसानी वास्ते, पंजाब की भाईचारक सांझ वास्ते, हिंदुस्तान की बेहतरी वास्ते, मैं उम्मीद करदा कि आ मसले का हल निकलूगा। उनका जीवन सर ऊपर बढ़े, उसके बच्चे भी अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी नौकरियों पर लगें, अच्छी तरक्की कर सकें, ऐसा ना हो। ऐसे लोग भी आज या तो खुद मध्यस्थता करने के लिए मीडिएटर के रूप में आ गए हैं, या हो सकता है उन्होंने कुछ किसान सो कॉल्ड लीडर्स ने उनको बीच में न्योता दे के आज जो सो कॉल्ड मीडिएटर्स बैठे हैं, और उस बात के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से सहमत हूं कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है साहब। तो किसान भी ऐसे लोगों से बचें, उनके मकसद को समझने का प्रयास करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आज किसान को MSP दिलाने के लिए या किसान को उनका हक दिलाने के लिए वहां बीच में पंचायती कर रहे हैं, वो तो खुद झूठे हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने MSP देने की वादा किया था कि मैं MSP दोगे, सरकार बनाओ और 24 घंटे के अंदर मैं MSP लागू कर दूं। कहते उनकी देश के आर्थिकता के अंदर GDP का जो पैमाना लगाया जाता है, जिसके अंदर महज 15% उसका योगदान है, उस दृष्टि से ना देखा जाए साहब। और हमारे तो पंजाबी में कहावत है कि जग जिउंदिआं दे मेले, अगर जिंदा रहेंगे तो सब आर्थिकता सुझेगी। जिंदा है, जितनी अहमियत देश की फौजों की है हमारी जियोग्राफिकल सॉवरेन इंटेग्रिटी को बनाए रखने की, उतनी ही महत्ता मैं समझता हूं हमारे किसान की फूड सिक्योरिटी के लिए भी है।